उस दौरान एक कविता लिखी गई थी जिसका नाम था नकाबपोश देशभक्त। निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण की आड़ में तुमने अपने छिछोरेपन की सारी हदें तोड़ दी हैं। मैं तुम्हारे पुरखों के दिए गए जातीय अपमान की आग में झुलस रहा हूं, भूख से बिलबिला रहा हूं। तुम मिनरल वाटर, स्कॉच और नरम नरम गुदाज की मस्ती में झूम रहे हो, पर आज मेरा दर्द कल तुम्हारा पर आज मेरा दर्द कल तुम्हारा भी होगा। क्या करोगे? आज अब देख रहे हैं सबकी आंखों में धूल झोंक कर मेरे अपमान, भूख और पीड़ा को, अपने इतिहास सत्यों को दरकिनार कर देश के गुलाम होने का ढिंढोरा पीटोगे तुम। फिर दलाली करते हुए खुद ही कूद पड़ोगे देश की स्वतंत्रता के छद्म आंदोलन में, बन बैठोगे महान देशभक्त, राष्ट्र के शुभ चिंतक। तो मित्रों, ये 25 साल पहले लिखी गई कविता थी, और आज आप देख रहे हैं कि जो कुछ 25 साल पहले या 30 साल पहले जब साहित्य की चर्चाएं चला करती थी, वो आज हूबहू वो चीजें हो रही हैं। मेरी बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। एक कविता है जिसका शीर्षक है मंदिर, उसमें केवल 7 शब्द हैं, लेकिन आप सब बुद्धिजीवी हैं, सोचिए, विचार कीजिए, समाज को किस तरफ ले जाना है ये ध्यान रखें। आओ चढ़ाओ और जाओ, आओ चढ़ाओ और जाओ, हम बांट लेंगे। इसकी एक छोटी सी और कविता है, उसमें केवल 15 शब्द हैं, वह पीपल साहब को बड़ी पसंद है, उनका ध्यान चाहूंगा मैं। वह जहां भी जाता है पहले मंदिर बनवाता है, फिर मजे से खाता है। वह और साथियों, आज जो हम यहां बैठे हुए हैं, अब सब समझते हैं, सब जानते हैं, अगर बाबा साहब ना होते, माननीय काशीराम जी ना होते, तो हम कहाँ होते, अब सोच सकते हैं। नामदेव घोषाल की बहुत फेमस कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसका कुछ अंश है, उसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आज जो भी कुछ हमारा है सब तुम्हारा है, आज जो भी कुछ हमारा है सब तुम्हारा है। ये जीना और मरना, ये लफ्ज और जुबान, ये सुख और दुख, ये ख्वाब और सच्चाई, ये भूख और ये प्यास, सब सब के सब पुण्य कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। मित्रों, बाबा साहब को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देते हुए मैंने ये कविता आपके सामने रखी। गोधरा फरवरी 2002 में हुआ, आज लगभग 16 साल हो गए। उसके एक दिन बाद ये कविता लिखी गई थी, उसका शीर्षक था मैं नहीं जानता। गांधी, तेरा घर जल गया, तू लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाता रहा, तेरे पढ़ाने में खोट था या तेरे पढ़ने वालों की नीयत खराब थी, मैं नहीं जानता। गांधी, तूने जिंदगी भर सफेद खादी की लंगोटी पहने, फिर तेरे घर का रंग भगवा क्यों हो गया, मैं नहीं जानता। गांधी, तू बुढ़ापे में लाठी लेकर चला करता था, गांधी तू बुढ़ापे में लाठी लेकर चला करता था, तेरे घर में लंबे लंबे त्रिशूल कैसे घुसाए, मैं नहीं जानता। गांधी, तूने जिंदगी भर अपनी चांद गंजी रखी, गांधी तूने जिंदगी भर अपनी चांद गंजी रखी, तेरे ही घर में लंबी लंबी चोटियां कैसे उगाई, मैं नहीं जानता। और इसका अंतिम छंद है, गांधी तू मंदिर मस्जिद को
एक ही अल्लाह ईश्वर का घर कहा करता था। गांधी, तू मंदिर मस्जिद को एक ही अल्लाह ईश्वर का घर कहा करता था, फिर मस्जिद कैसे धू धू जल उठी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। साथियों, कवि को कुछ चाहिए लेने के, कम से कम तालियां तो मिल ही सकती है। अगर आपको अच्छी लगे तो तालियां बजा दीजिए। कवि को कुछ चाहिए नहीं इसके अलावा। इस वो अभी मैं मेरी दो छोटी छोटी कविता और हैं जो हाल ही में लिखी गई। अब आपने क्या किया और आगे क्या करना है सोच लीजिए। अभी हाल ही में शंभू जी बोल रहे थे ना कि वो सारे काम करेंगे लेकिन जब जातिया जब तक उनके पक्ष में रहेंगे कभी नहीं तोड़ेंगे। ये सत्य बात है। सब बुद्धिजीवी हैं, मंच पर सब बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। इस देश में केवल 10,000 अंग्रेज आए थे। 10,000 अंग्रेजों ने करोड़ों लोगों को गुलाम बना लिया था और आज उनकी संख्या करोड़ों है। जो इस देश में जो अंग्रेज हैं उनकी संख्या करोड़ों है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि लोकतंत्र रहेगा तो सब आपकी जीत होगी। मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो समय आएगा जब उन्हें लगेगा कि ये लोग अच्छा अगर जनसंख्या में ज्यादा हैं तो इनकी वोट कैसे काटी जाए या वोट कैसे तोड़े या वोट के लिए हम क्या ऐसे कुछ कलाकारी करें जिससे वोट नहीं रहेगी। जब वोट ही नहीं रहेगी तो आपके क्या लोकतंत्र रहेगा। तो देखिए बिल पास हुआ 10 तारीख को, उसका शीर्षक है अब कहीं कोई पत्ता नहीं रहा। अब कहीं कोई पत्ता नहीं रहा, कोई खटका नहीं हुआ, न रेल रोकी गई, न बसें तोड़ी गई, किसी ने अपने ऊपर आग नहीं लगाई, किसी ने अपने ऊपर आग नहीं लगाई, कहीं लपटे नहीं उठे, क्योंकि करने वाले भी वही थे और कराने वाले भी। आज सब चौपाल में बैठकर गरीब और आरक्षण को पारिभाषित कर रहे हैं। आज सब चौपाल में बैठकर गरीब और आरक्षण को पारिभाषित कर रहे हैं। साथियों, आपने EWS के बारे में सुना होगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एक कम्युनिटी है हमारे देश में, वो संवैधानिक है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारे बुद्धिजीवी आप पता है, लेकिन सब चल रहा है। किसने बनाया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन? 25% रिजर्वेशन है उनका। जाइए आप स्कूलों में, हॉस्पिटल में जाइए, तो वो हर काम वो करेंगे जिससे आपका नुकसान होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं एक आखिरी कविता है, थोड़ी लंबी है, वो कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। उसका शीर्षक है बेनकाब। हमारे सच को भी तुम झूठ बनाते फिरते हो, हमारे सच को भी तुम झूठ बनाते फिरते हो। तुम्हारी फरेब की उन सारी फैक्ट्रियों का क्या जिनके तुम मालिक भी हो और मैनेजर भी। जब तुम बोलते हो उसके भीतर का सच तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारी बोली भाषा में, तुम्हारे चेहरे की लकीरों पर साफ चमकने लगे हैं। सदियों से छुपी तुम्हारी वहशी क्रूरता तुम्हारी आंखों में झलकने लगती है। जहां मेरा महान भारत तुम्हारे हिंदुस्तान में तब्दील होने लगता है, उसमें दिखने लगता है मुझे शंभू का काटा हुआ धड़, एक लौवे का अंगूठा दूर जमीन पर छटपटा रहा होता है। उसमें हमारे गले में तुम्हारे पुरखों के कुकर्मों की हांडी, पीछे भरी झाड़ू, पीछे बंधी झाड़ू साफ दिखने लगती है। और फिर अब तो ये पुराने प्रतीक हो गए हैं, और फिर अब तो ये पुराने प्रतीक हो गए हैं। तुम्हारे नए एजेंडों की फहरिस्त बड़ी लंबी हो गई है, जहां चारों ओर केवल तुम ही तुम दिखाई देते हो। जरूरत पड़ने पर तुम हमें लड़ा भी सकते हो, जरूरत पड़ने पर तुम हमें लड़ा भी सकते हो। मंदिर मस्जिद तुमने पहले ही करा दिया है। आज के नए लड़के लड़कियों को लैपटॉप, मोबाइल, फैशन के नशे में उलझा दिया है।
जो रहे सहे हैं उन्हें टी शर्ट चट्टी पहना जलूसों की भेंट चढ़ा दिया है। जो बोलते थे उन्हें चुप करा दिया है, जो बोलते थे उन्हें चुप करा दिया है, जो लिखते थे वे डर के मारे दुबक गए हैं, जो गाते थे उन्हें अपनी झोली में डाल दिया है। जो मुट्ठियां आजादी की जंग में एक हो रही थी, जो मुट्ठियां आजादी की जंग में एक हो रही थी, उन्हें जबरन खुलवा दिया है। क्या क्या गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं, तुम्हारे पिटारे में हर रोज कुछ ना कुछ नया निकलता है, जहां तुम्हें पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। रोहित फांसी पर लटक जाता है, रोहित फांसी पर लटक जाता है, नजीब गायब हो जाता है, पहलू को तुम पिटवा पिटवा कर मरवा डालते हो, तुम्हारे ही गुर्गे अफजरूल को जिंदा भूख देते हैं, और तो अपने ही गेरुओं को तुम ठुकवा देते हो। तुम्हारा अगला शिकार कौन होगा पता नहीं, तुम्हारा अगला शिकार कौन होगा पता नहीं। लगातार मुखरित होती कोई आवाज, शाही से रंगे कुछ पन्ने, तस्वीर उतारती सोशल मीडिया पर, चलती कुछ उंगलियां, कुछ भी, पर याद रहे अब हम केवल शंभूक और एकलव्य नहीं रहे, पर याद रहे अब हम केवल शंभूक और एकलव्य नहीं रहे, तुम्हारी ही कल्पना के अनुसार हमारे भी करोड़ों हाथ हो गए हैं और लाखों सिर भी। हम अपनी इस मिट्टी को तुम्हारे घिनौने मंसूबों का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, तुम्हें हर हालत में बेनकाब करेंगे, हर हालत में बेनकाब करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, और मुझे आपने समय दिया, सुना, मैं इस मंच का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।